नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर शहर के लंका पर श्याम होटल के सामने स्थित फिटनेस सिटी जिम का उद्घाटन बुधवार को मुख्य अतिथि प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवी विनोद राय और विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह शम्मी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के अवसर पर 80 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विनोद राय ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम और कसरत बहुत जरूरी है। यहां पर जिम खुलने से स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट अतिथि विवेक सिंह शम्मी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कसरत से शरीर को मजबूती मिलती है और विभिन्न बीमारियों से बचा जा सकता है। इस मौके पर प्रोपराइटर गौरव भारद्वाज, लक्ष्मीकांत के साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग का क्रम जारी है। इस दौरान खासकर उन पर पैनी नजर रखी जा रही है जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। बुधवार को यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने पुलिस कर्मियों के साथ नगर के लंका पिकेट, रोजा और विश्वेश्वरगंज में वाहन चेकिंग की। इस दौरान विभिन्न अनियमितता में कई वाहनों का चालान करने के साथ ही बिना मास्क के घूमने वालों से जुर्माना भी जमा कराया गया। यातायात प्रभारी ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। यातायात प्रभारी श्री यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान विभिन्न अनियमितता में 86 वाहनों का चालान किया गया है। इसके साथ ही मास्क न लगाने वालों से 10,000 का जुर्माना जमा कराया गया है। उधर चेकिंग से वाहन चालकों में अफरा तफरी मची रही। गाजीपुर बरेसर थाना पुलिस ने बीते मंगलवार की शाम हल्की मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के अलावलपुर के पास से बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियुक्तों को पेश करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार और उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान अलावलपुर के पास बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 बाइक, 1 32 बोर का पिस्टल, 2 कारतूस, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 कारतूस, 1 किलो 200 ग्राम गांजा और 2 मोबाइल बरामद किया। पुलिस कप्तान ने इस सफलता पर पुलिस टीम को 10,000 पुरस्कार की घोषणा की। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक के साथ कांस्टेबल अवधेश सिंह राणा, कांस्टेबल यशवंत सिंह, कांस्टेबल दुर्गेश खरवार, कांस्टेबल ज्ञान सिंह प्रजापति, कांस्टेबल अभिषेक यादव, महिला कांस्टेबल खुशबू पाठक शामिल थी। जमनिया कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की देर शाम अलग अलग स्थानों से वाहन चेकिंग के दौरान मंगलवार की शाम 1 स्कॉर्पियो और 1 मैजिक को पकड़ा। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अभियुक्तों को मीडिया से मुखातिब कराते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त अंतरराज्यीय शराब तस्कर हैं। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर भागते समय पीछा कर करमहरी गाँव के पास एक स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा। उसमें से 2400 शीशी देसी शराब और एक तमंचा और 1 कारतूस भी बरामद किया। जबकि अभयपुर में वाहन चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना पर एक मैजिक वाहन को पकड़ा गया है। वाराणसी जिले के लोहता आजाद धमरिया निवासी मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार कर 1 तमंचा और 1 कारतूस के साथ ही वाहन से 2400 देसी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उप निरीक्षक सेनापति, कांस्टेबल सौरभ, कांस्टेबल गोविंद, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल गोविंद निर्मल, कांस्टेबल रत्नेश, उप निरीक्षक मंशा राम गुप्ता, कांस्टेबल सकेंद्र सिंह, कांस्टेबल नीरज सरोज, कांस्टेबल मिथिलेश शामिल थे। उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सैदपुर के प्रतिष्ठापरक चुनाव में सुभाष चंद्र तिवारी ने 163 मत पाकर राजेश सिंह को पराजित किया है। राजेश सिंह को 140 मत प्राप्त हुए। मालूम हो कि सहकारिता से जुटे इस वाहन में सैदपुर एवं जखनिया तहसील के 5 विकास खंड क्षेत्र सैदपुर, सादात, देवकली, मनिहारी, जखनिया में कुल 5,200 मतदाता है। सैदपुर ब्लॉक मुख्यालय पर मतदान केंद्र बनाया गया जिसमें कुल 316 मत पड़े। मतगणना में 13 मत अवैध रहे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर कस्बा प्रभारी सुनील दुबे, उप निरीक्षक अनूप यादव मौजूद रहे, जबकि तहसीलदार दिनेश चंद्र एवं कोतवाल रविंद्र भूषण मौर्य बराबर चक्रमण करते रहे। इस मौके पर पंडित भोलानाथ पांडे, ललिता प्रसाद पाठक, अरुण प्रकाश पाठक, विजय यादव,
योगेंद्र यादव, लालजी यादव, पारस तिवारी, नंदलाल गुप्ता, सनत पांडे, राजीव चंद पांडे, रजनीश कृष्ण मूर्ति, रमेश पाठक, गणेश शंकर, अनिकेत, श्रीकांत, मंगल गौतम, राजीव कुशवाहा, चतुरी कुशवाहा, पंकज मौर्य आदि मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी खंड विकास अधिकारी डीके मौर्या ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।